हमें ये काम अंधेरे में करना होगा। शायद लोग हमें देख रहे हों। ये काम सिर्फ छिपकर ही हो सकता है, तभी हमें इल्लीगल ऑपरेटर का पीछा करने में कामयाबी मिल पाएगी। मैं एक परफेक्ट क्राइम कहलाने वाले जुर्म का पता लगाने की कोशिश में हूँ। इस ब्लैक मार्केट में कारोबार होता है 150 अरब रुपए का, और इसमें पकड़े जाने का ज्यादा खतरा भी नहीं है। बताया गया है कि ये समुद्र के बीच में किसी बैंक को लूटने जैसा है। आप समंदर में वो लाइट्स देख रहे हैं, ये है 6 सुपर ट्रॉलर्स की। हम सब काले रंग में हैं, इसकी एक वजह ये है ताकि ये सुपर ट्रॉलर्स ये ना देख पाए कि हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। अच्छा। वो ना देख पाए कि हम हार्बर से निकल रहे हैं। यहाँ इस अंधेरे में इस दुनिया के कुछ सबसे शातिर वाइल्ड लाइफ पोचर्स मौजूद हैं। कौन है ये कैसे काम करते हैं, और इन्हें रोकना इतना मुश्किल कैसे है? मुझे लगा कि मैं ब्लैक मार्केट्स को जानती हूँ, पर मैंने ऐसा कुछ तब कभी नहीं देखा। हम इस विशाल समुद्र में ऐसे शिप्स को ढूंढ रहे हैं जो खुद को छिपाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इल्लीगल फिशिंग कैसे की जाती है, मैं ये जानने के लिए लाइबेरिया आई हूँ। इन ट्रॉलर्स का लोकल मछुआरों से सीधा कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि ये तो एक तरह से इन लोकल मछुआरों की मछलियाँ चुरा रहे हैं। कुछ देशों के पास तो अपने समुद्र को इन लुटेरों से बचाने के साधन होते हैं, पर कुछ के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए लाइबेरिया ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद ली है, जो है सी शेपर्ड। इस पर 30 लोगों का क्रू, लाइबेरियन कोस्ट गार्ड और इस जॉइंट पेट्रोल में मेरे गाइड 20 साल से सी शेपर्ड वेटरन पीटर हैमरस्टेड भी शामिल हैं। पीटर हैमरस्टेड फिलहाल अफ्रीका में सी शेपर्ड के टास्क फोर्स के मुखिया हैं। ये जगह ओवर फिशिंग की शिकार है। इस ओवर फिशिंग के पीछे का कारण क्या है? यहाँ पर एक यूरोपियन फ्लीट है जिसकी कैपेसिटी यूरोपियन समुद्र में फिशिंग करने की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा है। एक चाइनीज डिस्टेंट वाटर फिशिंग फ्लीट भी है, जिसने चाइना के कोस्ट के नजदीक मछलियां करीब करीब खत्म ही कर दी हैं, और अब वो दूसरे समुद्रों पर नजर गड़ाए हुए हैं। तो यूरोप और चाइना के ये दो विशाल फिशिंग फ्लीट्स इन इलाकों में इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि यहाँ अब भी मछलियां हैं वेस्ट अफ्रीका जैसी जगहों में। दुनिया में ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है जो ये तय करता हो कि फिशिंग इंडस्ट्री में क्या लीगल है और क्या इलीगल। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और वेस्ट अफ्रीका जैसी जगहों में विदेशी ट्रॉलर्स ढीले ढाले नियमों, लचर पुलिस फोर्स और कुछ लोकल ऑफिशियल्स के भ्रष्ट होने का फायदा उठाते रहे हैं। ये कम जोखिम और ज्यादा फायदे वाला कारोबार है, पर सी शेपर्ड इस सब को बदलने की कोशिश कर रहा है। किनारे से 10 किलोमीटर दूर किसी इनशोर एक्सक्लूजन जोन में किसी भी इंडस्ट्रियल वेसल को आने की इजाजत नहीं दी जाती है, पर जब समुद्र में कोई पेट्रोलिंग करता नहीं दिखता तो ये ट्रॉलर्स अपने लोकेशन ट्रांसपॉन्डर्स को बंद कर देते हैं और मछलियां पकड़ते रहते हैं। हर बड़े कमर्शियल फिशिंग वेसल में एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम या AIS होता है, जो समुद्र में इसकी पोजीशन बताता रहता है। तो अगर किसी शिप का कप्तान एक्सक्लूजन जोन में इल्लीगली फिशिंग करना चाहेगा तो वो AIS ऑफ कर देगा। प्रोहिबिटेड एरिया के पास जैसे ही पहुंचेंगे आप AIS बंद कर देंगे, और आप जब तक इस प्रोहिबिटेड एरिया से निकलेंगे नहीं, आप AIS पर दोबारा देखेंगे नहीं। शक वाले फिशिंग वेसल्स की हरकतें देखने के लिए हमें बिना अपना सुराग दिए उनके करीब पहुंचना होगा, और इसके लिए हमें रात ढलने का इंतजार करना होगा फिर से। तो हम इन्हीं वेसल्स का इंतजार कर रहे थे। फिलहाल ये हमसे 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो क्या हम ट्रॉलर्स के ज्यादा करीब हैं? आप कह सकते हैं। अच्छा, वो तो दिखाई दे रहे हैं। हाँ। ओ, वो सामने लाइट दिखाई वो दे लाइट रही है। दिख रही है। तो हम उस बोट के पीछे जा रहे हैं। हाँ। सी शेपर्ड क्रू को एक ऐसा ट्रॉलर मिला है जो पहले भी अपने AIS को ऑफ करता रहा है। आप लोग इस बोट के बारे में कुछ पता लगा पाए? हम इस बोट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए हैं, और ये अपने आप में काफी रहस्यमय बात है। हम ये जानते हैं कि किस बोट की हिस्ट्री गड़बड़ है, और ये लोग अपना लोकेशन ट्रांसपॉन्डर ऑफ करते आए हैं। इन्होंने अपनी पहचान छिपाने के सिलसिले में भी कोशिशें की हैं। इन्होंने अभी सिर्फ 1.5 महीने पहले दावा किया था कि इनकी बोट सोमाली है। हमें लगता है कि ये शायद सेनेगल से ताल्लुक रखती है, पर इसका मालिक शायद स्पेन का है, जो कि ये पूरा माफिया चलाता है। स्पैनिश लोगों के साथ पीटर का पुराना मेल जोल है,
अर्ली 2000s में अंटार्कटिक में पकड़ी जाने वाली हर तीन में से एक मछली इल्लीगल होती थी और इनमें से ज्यादातर को पकड़ती थी स्पेनिश बोट्स। कुछ कानून के शिकंजे में आ गईं, पर 6 बोट्स अपना रंग, अपने झंडे और अपने नाम तक को बदलकर चकमा देती रहीं। इन्हें नाम दिया गया बैंडिट 6। इनमें से एक बहुत ही बदनाम थी। इस बोट ने लाखों चिलियन सी बैस पकड़कर करोड़ों कमाए। इसका नाम था थंडर। पीटर ने इसे ही पकड़ने में मदद की थी। हमें ये थंडर कैमला रीजन में फिशिंग करती मिली, जबकि उसे यहाँ फिशिंग की इजाजत नहीं थी। इस बोट के लिए एक इंटरपोल पर्पल नोटिस इशू हुआ था। हमने इन लोगों से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है और तुमको फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। हमने इस बोट को कोहरे में से सामने आते देखा और फिर मैरीटाइम हिस्ट्री की सबसे लंबी चेस शुरू हुई। चूहे बिल्ली का ये खेल 3 महासागरों में चला। 20,000 किलोमीटर का फासला तय किया गया और इसमें 110 दिन लगे। और फिर आखिर में क्या हुआ? फिर थंडर के कप्तान को ये लगा कि वो हमारे चंगुल से बच नहीं पाएगा और उसने बोट पर मौजूद सबूतों को खत्म करने के लिए अपनी भी बोट को डुबोने का फैसला किया। वो ऐसा कर पाए? उन्होंने बोट छोड़ दी और हमारे क्रू के 3 लोग कैमराज के साथ इस बोट पर चढ़ गए। उन्होंने इनके नॉटिकल चार्ट्स, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स और एविडेंस जब्त कर लिए और इन्हें इंटरपोल को दे दिया गया। फिर इनके बल पर इंटरपोल ने मालिक को धर दबोचा। बोट डूब रही है। हालांकि थंडर के कई क्रू मेंबर्स को जेल भेज दिया गया, पर बाकी बैंडिट 6 वेसल्स के मालिक की ही तरह इसका मालिक भी आजाद बचा रहा। और पीटर को यकीन है कि ऐसे ही और भी कई प्लेयर्स अब भी इल्लीगल फिशिंग के इस गेम में सक्रिय हैं। फिलहाल वो हमें नहीं देख सकते, उन्हें सिर्फ एक छोटी सी रेड लाइट दिखाई देगी, पर वो हमें पहचान नहीं पाएंगे। हमने अपनी स्पीड भी घटा दी है, तो इस वक्त हमारी स्पीड भी उनके जैसी है, 1 मीटर पर सेकंड है। इस स्पीड का मतलब है कि वो फिशिंग कर रहे हैं, तो अगर वो फिलहाल हमें रेडार पर देख रहे होंगे तो उन्हें लगेगा कि हम भी एक फिशिंग बोट हैं। हाँ, ये बढ़िया तरीका है सिचुएशन में एक कोवर्ट मिशन के दौरान अपनाया जाने वाला, है ना? हाँ, किसी फिशिंग बोट को सरप्राइज देने के लिए खुद भी फिशिंग बोट जैसे ही बन जाओ। आज रात का प्लान ये है कि हम लाइबेरियन कोस्ट गार्ड की मदद करेंगे। कैम्बल 3 खुद को एक श्रिम्प ट्रॉलर क्लेम करता है, पर उसका मकसद बिल्कुल अलग हो सकता है। 2017 में कैम्बल 3 के करीब एक और टीम पहुंची थी। इस पेट्रोलिंग को कर रही थी सेनेगलीज फिशिंग अथॉरिटीज और ग्रीन पीस। 20 मिनट से भी ज्यादा तक कैम्बल 3 का कैप्टन बोट को धीमा करने और इंस्पेक्शन कराने की रिक्वेस्ट की अनदेखी करता रहा। जब सेनेगलीज अथॉरिटीज आखिरकार बोट पर चढ़ी तो उन्होंने पाया कि कैम्बल 3 के नेट्स में बदलाव करके उसके मेश साइज को छोटा कर दिया गया था ताकि और मछलियां पकड़ी जा सकें। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस हरकत को गलत माना जाता है। उन्होंने ये भी पाया कि क्रू ने उनके इंस्पेक्शन से पहले नेट में किए गए अपने बदलाव के सबूत भी मिटाने की कोशिश की। ये ऑपरेशन कितने खतरनाक होते हैं? कोई भी मिशन पूरी तरह सेफ तो नहीं होता है, खतरा होता ही है, तो हमेशा तैयारी से ही जाते हैं। हमारे सामने कोई भी सिचुएशन हो सकती है। हमारे काम के साथ रिस्क तो जुड़ा ही रहता है, पर लाइबेरियन कोस्ट गार्ड हमारे साथ है। हमारा क्रू पूरी तरह ट्रेंड है और हम यहाँ इसी काम के लिए आए हैं। हेलो, आपको आवाज आ रही है? खुले समंदर में एक छोटी सी बोट में होने से थोड़ी घबराहट सी हो रही है। ठंड है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और हमारे चारों तरफ है स्याह और गहरे पानी वाला समंदर। ऐसे में अपनी हस्ती मामूली और लाचार लगती है। हम कैनवल 3 के करीब पहुंच रहे हैं और अपने काम से जुड़ा खतरा अब महसूस होने लगा है। हम न सिर्फ रात में एक खुले सागर में एक बोट पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हमें ये भी नहीं पता कि हमें इस पर क्या और कौन मिलने वाला है। अब वक्त आ गया है इस बोट पर चढ़ने का। आप पुर्तगाली हैं? हाँ। हेलो, मैं हूँ मरियाना। Okay. कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? पेड्रो। पेड्रो, अच्छा, तो मतलब कैप्टन पुर्तगाली हैं। इनका पासपोर्ट भी यहीं पर रखा है। मैं भी पुर्तगाली ही हूँ। आप कौन सी मछलियाँ ढूंढ रहे हैं?
क्रेफिश, क्रैब, और हम यही मछलियां ढूंढ रहे हैं। आपके पास इस काम के लिए परमिट है? हाँ, हमारे पास परमिट है। अच्छा, ये बताइए, इस बोट का मालिक कौन है? देखिए, ये सेनेगल की एक कंपनी है। सेनेगल की कंपनी? हाँ, इस वेसल को सेनेगल से परमिट मिला हुआ है। लगभग सारा क्रू सेनेगल का ही। अच्छा। मैं पुर्तगाली हूँ, इंजन चीफ मोरक्कन है। बाकी लोग सेनेगल से? जी हाँ, सेनेगल के हैं। और आप कह रहे हैं कि बोट की मालिक कंपनी सेनेगल? हाँ, से है। तो फिर वहाँ उस तरफ स्पेन का झंडा क्यों लगा हुआ है? क्योंकि बॉस, मेरा मतलब है कैप्टन, असल में मैं घर से अभी लौटा हूँ, अभी 22 अप्रैल को। अच्छा। 22 अप्रैल को। मुझसे पहले वाला कैप्टन स्पेनिश था जब बोट सेनेगल में काम कर रही थी। अच्छा, यानी इस बोट का स्पेन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है? स्पेन के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है? मुझे नहीं लगता, ये कंपनी सेनेगल की है। बोट पर सेनेगल का फ्लैग लगा है, क्रू भी सेनेगल का ही है। तो देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो मैं 22 अप्रैल को ही घर से लौटा हूं। लगता है जनाब को मेरे सवालों से तकलीफ हो रही है, और इससे मेरी उत्सुकता और जाग रही है कि न जाने बोट पर क्या मिलेगा। ये स्पेनिश या पोर्चुगीज है? स्पेनिश, राइट? हाँ, ये स्पेनिश लग रही है। ये पुर्तगाली तो नहीं हो सकती? नहीं, ये स्पेनिश है। ओके, ये इनके सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये इनकी बोट पर मौजूद नेविगेशन और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की लिस्ट है, और ये सब स्पेनिश में है। हाँ, ये स्पेनिश ही है। हाँ, ओके, ठीक है। हम शिप के डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो पता चलता है कि अपने लाइसेंस के जरिए इन्हें श्रिम्प और क्रैब की ट्रॉलिंग की इजाजत है, लेकिन लाइबेरियन कोस्ट गार्ड को ये पक्का करना होगा कि ये नियमों के मुताबिक ही फिशिंग कर रहे हैं। तो वो कैप्टन से जाल पानी से बाहर निकालने को कहते हैं। ओ वाओ, देखिए, मछलियां पानी से बाहर आ रही हैं। क्या ये अब नेट खोलेंगे? क्या बात है। ओके, तो इनके पास इन जीवों को पकड़ने का लाइसेंस है, राइट? ये श्रिम्प है, मतलब मुझे ये बहुत पसंद है, मतलब जब मैं छोटी थी तो बहुत खाती थी। इन्हें पोर्चुगल में लैगोस्टिनो कहते हैं। ओह, ओके। लेकिन इन्होंने जो मछलियां पकड़ी हैं, उनमें से श्रिम्प तो 10% भी नहीं है, और श्रिम्प फिशरी में ये आम नजर आता है। इन्होंने बहुत सारा बाइकैच पकड़ा है। बाइकैच से मतलब है वो मछलियां या दूसरे समुद्री जीव जो किसी खास प्रजाति को पकड़ने के चक्कर में अनजाने में जाल में फंस जाते हैं, जैसे कि ये पकड़ना चाहते हैं श्रिम्प को। मैं ये जानती हूँ कि पुर्तगाल में किसी रेस्टोरेंट में ऐसा कोई श्रिम्प करीब 20 यूरो यानी 1700 रुपए में बिकेगा। तो आप ये देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि न सिर्फ ये लोग बल्कि इनके मालिक कितना ज्यादा कमाने वाले हैं। यानी हमारे सामने इस वक्त लाखों के झींगे पड़े हुए हैं जो इस बोट के मालिक को माला माल कर देंगे। देखिए, जबकि इन लोगों को तनख्वाह मिलती होगी सिर्फ 11,000 के आसपास। हाँ। यानी इस कमाई का फायदा इन लोगों को नहीं होता है। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं दिखी। तो अब मैं कार्गो होल्ड में जा रही हूँ जहाँ मछलियों को बर्फ में रखा जाता है। तो ये है कैंग्रेहो, क्रैब, गैम्बा, श्रिम्प, जिन्हें अटलांटिक में पकड़ा गया है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। और ये जा रही है वीगो इस्पानिया, इनका इंपोर्टर है जो एक स्पेनिश कंपनी है। आपने इसका नाम सुना है? हाँ हाँ, हमने इनका नाम पहले सुना है। ये वीगो में है, स्पेन के एक इलाके गैलिसिया में मौजूद एक शहर में। आपने देखा होगा कि कैप्टन सवालों के ठीक जवाब नहीं दे रहा था। वो कहना नहीं चाह रहा था कि इस बोट का मालिक स्पेन में रहता है। बोट पर स्पेनिश भाषा वाले डॉक्यूमेंट मिले हैं। मछलियों के कार्टन पर भी लिखा हुआ था कि सब कुछ स्पेन भेजा जा रहा है। विगो स्पेन को, जो गलीसिया है, और यहीं पर स्पेन में खास तौर पर फिशिंग होती है। फिर भी पीटर के शक के बावजूद इलीगल एक्टिविटी का कोई नामो निशान नहीं है। आज लाइबेरियन कोस्ट गार्ड को इस शिप को जाने देना होगा। यानी कैनबल 3 के नेट्स एक बार फिर पानी में होंगे। मैंने सी शेफर्ड पर करीब 1 हफ्ता बिताया है, और फिशिंग की दुनिया की इस एक त्रासदी के बारे में जाना है कि हमारा करीब 20% सी फूड ब्लैक मार्केट से आता है। फिर भी किसी को रंगे हाथों पकड़ना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाली। मैंने इस इलीगल फिशिंग की दुनिया में अंदर तक जाने की ठान रखी है।
ये है पूरी दुनिया में हो रही फिशिंग, ज्यादातर इंडस्ट्रियल फिशिंग। मुझे यहाँ जो हरे रंग में नजर आ रहा है ये हरे रंग के चौकोर हिस्से। हाँ, इन सब इलाकों में वेसल्स फिशिंग कर रहे हैं। इन जगहों पर करीब 50,000 बोट्स होंगी। 50,000? जी हाँ, ये इंडस्ट्रियल कमर्शियल। हाँ, ये बड़ी कंपनियां हैं। 50,000? जी हाँ, पूरी दुनिया में ऐसे 50,000 वेसल हैं। शायद अमेरिका में आने वाला 20% तक सी फूड ब्लैक मार्केट से आता है, फिर भी मुझे इस मार्केट में घुसने का रास्ता अब तक नहीं मिला। मुझे उम्मीद है पॉल वुड्स मुझे सही दिशा में ले जाएंगे। ये ग्लोबल फिशिंग वॉच के को-फाउंडर हैं, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में फिशिंग वेसल्स पर नजर रखते हैं। तो अगर कोई समुद्र में लीगल एक्टिविटीज कर रहा है तो क्या गुंजाइश है उसके पकड़े जाने की? कड़े कानून वाले देशों में पकड़े जाने की अब काफी गुंजाइश होती है। यहाँ कोई नहीं है क्योंकि अमेरिका काफी सख्त है, लेकिन हवाई में ऐसी काफी बोट्स हैं। यहाँ मछलियाँ हैं, लेकिन यूएस नेवी लोगों को यहाँ से भगा देती है। जबकि अफ्रीका, खासकर वेस्ट अफ्रीका में स्पेन, चाइना, कोरिया, जापान और अमेरिका जैसे सब देशों के वेसल्स मछलियाँ पकड़ते रहते हैं, क्योंकि इन देशों के पास इन्हें भगाने के साधन नहीं होते। हमने नक्शे पर ऐसे वेसल्स देखे हैं जो कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे होते हैं। हम इस बारे में वहां की सरकार को बताते हैं कि फला वेसल आपके समुद्र में फिशिंग कर रहा है जो आपकी रजिस्ट्री लिस्ट में नहीं है, तो ये इलीगल है। फिर हमने देखा कि ऐसे वेसल को तो बैक डेट में लाइसेंस दे दिया गया फिशिंग के लिए, और ऐसा यहाँ पर अक्सर होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस धंधे में पैसा है, मछली पकड़ने में, फिशिंग का लाइसेंस देने में। देखिए, इस काम में ज्यादा फायदा है बजाय इसके कि फिशरीज को बचा कर रखा जाए। आपको कितनी निराशा होती है? हाँ, फ्रस्ट्रेशन तो बहुत होती है। मछुआरों को ये जानने की जरूरत है कि हो सकता है इस तरह मछली पकड़ते वक्त वो ना पकड़े जाएं, लेकिन इसका बुरा नतीजा तो उन्हें झेलना पड़ेगा ही, रूल्स को तोड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल ऐसा हो नहीं रहा है, बल्कि क्रिमिनल्स इस इंडस्ट्री के ग्लोबलाइज्ड रूप को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मछलियाँ पकड़ी एक देश में जाती हैं और पहुँच दूसरे देश जाती हैं। इनकी फ्लैगिंग होती है तीसरे देश में और इनका मालिक होता है कोई चौथे देश का आदमी, तो इसकी निगरानी कैसे होगी? इसके लिए तो चारों देशों को मिलकर काम करना होगा ताकि समुद्र में होने वाले इस गैर कानूनी काम के लिए जिम्मेदार आदमी को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। इसीलिए कुछ शिप मालिक फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस का फायदा उठाते हैं। वो अपने वेसल को किसी दूसरे देश में रजिस्टर कराते हैं ताकि अपने देश के नियमों से बच सकें या विदेश में उनका पता आसानी से न चल सके। ये है एक ग्लोबल सप्लाई चेन, सब चीजें आपस में मिलती जुलती और आगे बढ़ती रहती हैं। तो जैसे ही मछलियाँ एक बोट से उतर कर दूसरी में पहुंचेंगी, कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। मैंने कैनबल 3 पर जो झींगे देखे थे वो जा रहे थे वीगो स्पेन, जहाँ यूरोप में सबसे बड़ा फिशिंग पोर्ट है। यहाँ हर साल 7,00,000 टन से ज्यादा प्रोडक्ट उतारा जाता है। मछलियाँ छंटती, बिकती और पूरी दुनिया के देशों को डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है। ये एक बहुत बड़ा धंधा है, हाईटेक, एकदम साफ सुथरा और सख्त कंट्रोल वाला। मछलियों के हर क्रेट का वजन, कैटलॉगिंग और बार कोडिंग होती है ताकि खरीदारों को पता चले कि ये सी फूड कब और कहां पकड़ा गया। लेकिन ये सब थ्योरी में है, हकीकत में यहां बिकने वाली सैकड़ों स्पीशीज में से कोई भी किसी इलीगल फिशिंग वेसल से समुद्र में ही लीगल वेसल तक ट्रांसफर हो सकती है। कागजों में इसका प्रोडक्ट वैध होता है। जब कोई इलीगल मछली किसी शिप के फ्रीजर में मौजूद लीगल मछली के साथ मिक्स हो जाती है तो दोनों के बीच फर्क कर पाना नामुमकिन है, और इस तरह से इलीगल सी फूड लीगल सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन मैं स्पेन मछलियों के लिए नहीं, मछुआरों के कारण आई हूँ, जिनकी वजह से गलीसिया को बदनामी हासिल हो रही है। गलीसिया हमेशा से ही यूरोप के लिए स्मगलिंग का एक अड्डा रहा है। यहाँ से न सिर्फ मछलियों की बल्कि ड्रग्स, टोबैको और दूसरे उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स की भी तस्करी होती रही है। इन वेसल से जुड़ी कंपनीज पैटेगोनियन और एंटार्क्टिक टूथफिश अवैध तरीके से पकड़ती हैं, और इन लोगों को कहा जाता है गलीशियन माफिया।
मैं किसी ऐसे शख्स को ढूंढना चाहती हूँ जिसने इन इलीगल वेसल्स पर काम किया हो और इस गंदे कारोबार के राज को गहराई से जानता हो। थोड़ी पूछताछ के बाद मैं मिल रही हूँ एक रिटायर्ड मछुआरे से, जिसने मुझे काफी कुछ बताने का वादा किया है। एक फिशिंग ग्राउंड का नाम है जिसे वो 54 कहते हैं, क्योंकि पेट्रोल बोट आसपास ही रहती थी, हम वहाँ से मछलियाँ चुराते थे। और आपको मालूम था कि ये काम इलीगल है? हम ही सी प्रोडक्ट को लोड करते थे और हम ही उसे भेजते थे, तो हमें कैसे नहीं पता होगा। स्पेन के लोग दुनिया के सबसे शातिर लोग हैं। जहां तक फिशिंग का सवाल है, सारी दुनिया इसलिए हमसे नफरत करती है क्योंकि हम बहुत शातिर हैं। है तो है। पेरी को एक रिटायर्ड फिशरमैन है। इन्होंने बताया कि ये बेहद ठंडे नॉर्थ अटलांटिक में स्पेनिश वेसल्स पर 35 साल तक काम करते रहे हैं। पेरिको ने बताया कि समुद्र में अपने पूरे करियर के दौरान वो गैर कानूनी काम करते रहे। एक फिशिंग ग्राउंड है जिसका नाम है 54। हम वहाँ फ्राइडे की रात जाते थे और संडे की रात वहाँ से लौटते थे, क्योंकि पेट्रोल की बोट किनारे पर होती थी। हम वहाँ जाके चोरी करते थे। उन दो दिनों के दौरान हम खूब मछलियाँ चुराते थे। तो आपके नेट्स इलीगल होते थे? हाँ, हमारे नेट्स इलीगल होते हैं। एक भी श्रिम्प बच कर निकल नहीं सकता। और ये चोरी है। और ये मछलियाँ बेचते कहाँ थे? वो इलीगल तरीके से बिकती थी और शिप का मालिक उससे बहुत पैसा कमाता था, लेकिन हमें उसे खास कुछ नहीं मिलता था, बस उसी की जेब गर्म होती रहती थी। शिप के मालिक की, उसकी कमाई में कमी नहीं होती थी। आपको पता था कि ये काम इलीगल है? हम ही लोग तो सी प्रोडक्ट लोड करते थे, उसे भेजते थे, तो ये बातें हमें कैसे नहीं पता होंगी? हमें तो बस अपने कैप्टन का हुक्म मानना होता था, लेकिन दोष कैप्टन का नहीं, शिप के मालिक का होता था। शिप का मालिक ऑर्डर देता था? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब मैंने पेरिको से इन लोगों के नाम पूछे तो उन्होंने मना कर दिया। मैं आपको उनके नाम या कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि मुझे कल कोनी की चौखट पर दरवाजा खटखटाना पड़े, उनसे मदद लेनी पड़े समुद्र में मौजूद मेरे बेटे के लिए, तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा उनका। और इससे भी बड़ी बात यह है कि स्पेनिश फिशिंग एक फैमिली बिजनेस है, एक बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस जो अपने राज किसी को नहीं बताता। फिर मुझे एक सुराग मिला। आपको बैंडिट 6 की बात याद है, जिसका पीछा सी शेफर्ड ने 110 दिन तक किया था और फिर उस बोट के कैप्टन ने जानबूझकर उसे डुबो दिया था? खैर, मैं एक लोकल जर्नलिस्ट से कांटेक्ट कर पाई, जिनके पास इन वेसल्स की जांच पड़ताल से जुड़े ढेर से डॉक्यूमेंट्स हैं और अदालती मामलों की डिटेल्स भी हैं। अगर मैं गैर कानूनी फिशिंग वर्ल्ड में और गहराई तक जाने का रास्ता ढूंढना चाहती हूँ तो मेरे लिए ये मौका है। हम लोग इन बहुत मालदार कंपनीज की बात कर रहे हैं, जिनके पास बहुत सारी बोट्स हैं, फैंसी वेबसाइट्स हैं, बहुत से वकील हैं। तो एक जर्नलिस्ट होने के नाते और इन मामलों की छानबीन में आपको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जब इनका खतरा होता है, प्रोटेक्शन तक चाहिए होता है। आप बता सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स किस तरह के हैं? मुझे लगता है ये डॉक्यूमेंट्स इलीगल फिशिंग से जुड़ी बेहतरीन जांच पड़ताल का नतीजा है। करीब 8,000 पन्ने हैं। 8,000 पन्ने? हाँ, 8,000 पन्ने। बैंडिट 6 के बारे में ये जांच पड़ताल की थी इंटरपोल ने, स्पेनिश गार्ड सिविल के साथ मिलकर ये काम किया था। अच्छा, मतलब इन सभी को रंगे हाथों पकड़ा गया, ये जो काम कर रहे थे वो इलीगल था, है ना? इन डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ साबित हो गया है कि बैंडिट 6 अपराध कर रहे थे। हैरत की बात थी कि स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने बैंडिट 6 के शिप मालिकों के खिलाफ मामला आगे नहीं बढ़ाया। कोर्ट का कहना था कि बेशक बैंडिट 6 ने अवैध काम किए थे, लेकिन क्योंकि ये काम इंटरनेशनल वाटर्स में हुए थे, इसलिए ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे। यहाँ हमारे पास गैलिशिया में हो रही फिशिंग एक्टिविटीज के तमाम कोऑर्डिनेटर्स के नाम है। वाओ, ये तो उन लोगों के नाम और कॉन्टेक्ट हैं। सारे कोऑर्डिनेटर्स के। वाह, ये तो कमाल है। और इन डॉक्यूमेंट्स में इन लोगों के फोन नंबर्स भी हैं, ईमेल आईडीज, तो आप ट्राई कर सकती हैं। तो इन लोगों के खिलाफ आरोप दायर किए गए? हाँ, हमारे पास उन कुछ ऑफशोर कंपनीज के नाम हैं, जिनका इस्तेमाल बैंडिट 6 वालों ने किया। इसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ ये इस बोट के क्रू मेंबर्स की लिस्ट है, यहाँ इस डॉक्यूमेंट में। इसमें कैप्टन, चीफ इंजीनियर, कुक और सारे ऑफिसर्स के नाम भी हैं। यहाँ इनके फोन नंबर हैं, पासपोर्ट नंबर्स भी हैं,
काफी सारी पिक्चर्स हैं और बैंक अकाउंट्स भी हैं। यहाँ तो बहुत कुछ है। आप देख सकते हैं कि चीफ इंजीनियर, ऑफिसर और कैप्टन सभी स्पेनिश हैं और इनके साथ स्पेनिश नंबर्स भी जुड़े हैं। लिस्ट बहुत लंबी है और इसमें बैंडिट सिक्स से जुड़े सभी लोगों के नाम हैं और नंबर्स हैं। कौन जाने की कौन सी इल्लीगल एक्टिविटीज अब भी जारी है। हेलो, यस यस, हेलो, मैं हूँ मरियाना वेंजेलर नेशनल ज्योग्राफिक से। नहीं नहीं नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे बात नहीं करनी। देखिए, मैं बस ये चाहती हूँ कि इस स्टोरी में आपका भी पहलू पता चलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, 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 मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तो अब मैं बैंडिट सिक्स में काम करने वाले एक और शख्स को फोन कर रही हूँ। हेलो, हेलो, गुड मॉर्निंग। वो यहाँ नहीं रहते और ये फोन उनका नहीं है। गुड डे। हेलो, मैं हूँ मरियाना वेंजेलर। मैं, कसूर क्या है हमारा, क्या जुर्म किया है हम लोगों ने? फोन रख दिया। हेलो, मरियाना वेंजेलर बोल रही हूँ, मैं नेशनल ज्योग्राफिक से एक रिपोर्टर हूँ। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थैंक यू, गुड डे। ओके, नहीं 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 नहीं, उठाओ उठाओ उठाओ। सॉरी, मैं आपकी कॉल अभी नहीं ले सकता हूँ, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? क्या आप थोड़ी देर में कॉल करेंगे? तो मुझे 2.5 घंटा हो गया है, मैं लगातार फोन मिला रही हूँ। हाय, मैं हूँ मरियाना नेशनल ज्योग्राफिक से। दरअसल हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं बैंडिट सिक्स और फिशिंग बोट्स के ऊपर। हाँ, देखते हैं, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? मैं आपसे कुछ चीजें जानना चाहूंगी और आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हम क्या कर रहे हैं। हेलो, मैं आपसे 2 बजे वीगो पे मिलता हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, 2 बजे तो हम आज मिल सकते हैं ना? हाँ। बहुत बढ़िया, ठीक है, हम 2 बजे मिलते हैं। बाय, थैंक यू। तो ये आज दोपहर मिलेंगे वीगो में। बढ़िया। आखिरकार मुझे बैंडिट सिक्स फिशिंग बोट के एक पूर्व क्रू मेंबर से मिलने का मौका मिलने वाला है। उसने मुझे मैसेज के जरिए शहर के बाहर की एक लोकेशन भेजी है। लगता है यही वो जगह है। ओके, हम पहुंच गए हैं। बढ़िया, हम पहुंच गए। आप ऐसे पहले हैं जो हमसे बात करने के लिए तैयार हुए हैं, तो इसके लिए आपका शुक्रिया। ये बताइए, आप हमसे बात करने के लिए तैयार क्यों हुए? मैं आपसे इस बारे में कोई वादा नहीं कर सकता। सवालों को सुनने के बाद ही फैसला लूंगा कि मुझे क्या जवाब देना है। हो सकता है कि इंटरव्यू खत्म हो और हो सकता है ना भी हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं जिनसे बात कर रही हूँ, मैं उन्हें लुईस कहूंगी। इन्होंने अपने करियर में बैंडिट सिक्स बोट्स में से एक पर और एक दर्जन और स्पेनिश वेसल्स पर काम किया है। ये मुझे बताएंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर इलीगल फिशिंग कैसे होती है। क्या आपने इलीगल नेट्स इस्तेमाल करने वाले किसी शिप पर काम किया है? अगर एतराज ना हो तो बता सकते हैं। हाँ हाँ, ये बिल्कुल आम बात थी, ऐसा तो मैं करता रहा हूँ। फिर पेट्रोल बोट सामने आने पर हम नेट्स में बदलाव कर देते थे। कोई भी कानून का सम्मान नहीं करता, ना ही नेट के साइज पर ध्यान देता है, और ना ही इस बात का कि एक स्पीशी का सीजन अब खत्म हो चुका है। आप इलीगल फिशिंग करते हैं तो फिर उस मछली का करते क्या हैं? क्या उसे छुपा देते हैं? हाँ, हम उसे छुपा देते थे। मतलब फौरन? जी हाँ, डबल बॉटम होता था। डबल बॉटम मतलब बोट की तली दोहरी होती है। हाँ, हम होल्ड में छुपाते हैं। पेट्रोल बोट चेकिंग कर ले तो क्या? लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ मिल नहीं, क्योंकि एक फेक बॉटम में। जी हाँ, हाँ, बिल्कुल, जी हाँ। वाओ, और आपने ये अपनी आँखों से देखा है? हम सभी ने देखा है ऐसा होते हुए। हमें पता नहीं था कि हम जिन भी शिप्स पर चढ़े उनमें डबल बॉटम्स या इलीगल नेट्स मौजूद थे,
लेकिन ऐसा लगता है कि लुईस ने जिन भी स्पेनिश शिप्स पर काम किया उनके कामकाज का आम तरीका यही था, और ये लोग सिर्फ इसी तरह नियमों का उल्लंघन नहीं करते थे। देखिए, मैं आपको एक केस के बारे में बताता हूँ। एक मछली होती है जिसका नाम होता है मैकरेल। ये रेगुलेटेड होती है। हर बोट एक दिन में सिर्फ 5000 किलो मैकरेल ही पकड़ सकती है, ये कानून है। लेकिन हम 5000 के बजाय हर रोज 10000 किलो पकड़ते थे। हम दो बार अनलोडिंग करते थे। हम किसी पोर्ट पर जाते थे, 5000 किलो उतारते थे, फिर दूसरे पोर्ट पर जाते थे, और इसी तरीके से दो दिन वाला कोटा हम एक ही दिन में पकड़ लेते थे, और ऐसे ही जो बचे हुए 5000 हैं, उनको किसी दूसरे पोर्ट पर उतारते थे। और कंपनी की बोट्स के जो मालिक हैं, उन्हें भी इन इलीगल हरकतों की सारी जानकारी होती है? क्या उन्हें सब पता होता है? बिल्कुल रहती है, वो जानते हैं। हाँ? ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? लालच के लिए, मुनाफे और पैसे के लिए, और क्या। और ऐसा करने के दौरान जोखिम मामूली रहता है या बहुत ज्यादा? जोखिम मामूली सा होता है, लेकिन होता तो है, और जुर्माना देना पड़ता है। तो क्या ऐसे गैर कानूनी कामों में जुर्माने के बजाय जो मुनाफा है वो ज्यादा होता है? बिल्कुल, उन्हें हमेशा मुनाफा ही होता है। अगर आप शिप ओनर से कहें कि गैर कानूनी काम नहीं करना, तो फिर ऐसे में वो क्या करते हैं? तो क्या वो आपको मजबूर करते हैं? नहीं करना चाहते तो आप घर पे रहो, टीवी देखो, और क्या, ये काम किसी और को करने दो। तो नौकरी चली जाएगी? बिल्कुल, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो मैड्रिड में किसी सबवे में चिल्लर पाने के लिए गिटार बजाएंगे, और क्या। अगर आपको पेट तो पालना ही है, और कोई तरीका नहीं है, कोई भी नहीं। लुईस ने बताया कि फिशिंग इंडस्ट्री में बदलाव लाने की ताकत शिप के मालिकों के पास ही होती है, लेकिन इन्हीं लोगों को इस हालात से सबसे ज्यादा मुनाफा भी होता है। क्या वो ये बात जानते हैं कि वो भविष्य में मिलने वाली मछलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाँ हाँ, वो जानते हैं, लेकिन वो आगे के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ आज मुनाफा कमा लें इस बारे में सोचते हैं, लेकिन लंबे दौर में इससे नुकसान तो होगा ही। आपकी मोरालिटी, आपका कल्चर, आप इन्हें बदल नहीं सकते, चाहे जितने मर्जी नियम बना लें। इन्होंने सही कहा, मुद्दा और ज्यादा नियम कानून बनाने का नहीं है, मुद्दा है समुद्र के साथ हमारे अपने रिश्ते का। मेरी कोशिश रही है कि मैं ब्लैक मार्केट को समझूं, ढीले ढाले कानून वाले इंटरनेशनल सिस्टम की कमियों का फायदा उठाने वाले बोट मालिकों को जानूं, ऑल्टरनेट नेट्स इस्तेमाल करने वाले मछुआरों, AIS ट्रैकर्स ऑफ करने वाले कैप्टन्स के बारे में जानूं। लेकिन मैं एक बड़ी समस्या की अनदेखी करती आई हूं, वो है इंडस्ट्रियल फिशिंग से जुड़े कड़वे सच। इलीगल फिशिंग का बहुत बड़ा असर होता है, लेकिन देखा जाए तो लीगल फिशिंग के प्रभावों के मुकाबले ये छोटा ही है। सिल्विया अर्ल एक ओशियनोग्राफर और मिशन ब्लू नाम के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की संस्थापक हैं, जो हमारे समुद्रों की रक्षा के लिए समर्पित है। ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्री के बारे में वो एकदम खुलकर बात करती हैं। ये हमारी दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ ट्रेड है। हम जैसे समंदर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो भी चेहरे पर मुस्कान के साथ, जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो। आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके बल पर हम आज वहां जाकर भी मछलियां पकड़ रहे हैं जहां पहले नहीं जा पाते थे। पिछले कुछ महीनों में मैंने जो कुछ देखा उसके बाद उनके ये शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। पकड़ी गई कुछ मछलियों में से झींगों का 10% भी नहीं होगा, और श्रिम्प फिशरी में बाइकैच की मात्रा अक्सर काफी हुआ करती है। मैं बाइकैच को हमेशा इंडस्ट्रियल फिशिंग का नजर न आने वाला विक्टिम कहा करता हूँ। इंडस्ट्रियल फिशिंग के नजर न आने वाले विक्टिम, यानी जानवरों की ऐसी तबाही जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये देखना और समझना और भी मुश्किल है कि ये सब कुछ लीगल है, और पूरी दुनिया में ट्रॉलर्स दिन रात इस काम में लगे हुए हैं।
हिंद महासागर में ट्रॉपिकल टूना को हद से ज्यादा पकड़ा गया है। इंसान दुनिया के महासागरों का शोषण इस हद तक कर रहा है कि उसकी भरपाई मुमकिन नहीं। श्रिम्स, आप जितना चाहें जिस तरह चाहें उसका लुत्फ उठाएं। बहुत तरह के जीवों और हैबिटेट्स के सामने खतरा है, वो ओवर फिशिंग से खत्म हो रहे हैं। हमारे कमाल के लजीज स्नो क्रैब डिनर सिर्फ 750 रुपए में। पूरी गर्मियां उठाइए इसका लुत्फ क्रैब डैडी फीस के साथ। हम छोटी मछलियां भी पकड़ते हैं जिससे उन्हें रिप्रोड्यूस करने का वक्त नहीं मिलता, और यही वो वजह है कि खुले सागर में मछलियां खत्म हो गई हैं। हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, हर चीज को बर्बाद कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल कमर्शियल फिशिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि अभी से फिशिंग के बजाय माइनिंग कहना बेहतर होगा। ये नेट बहुत बड़े होते हैं, 1000 मीटर के दायरे में ये सभी मछलियों को एक साथ समुद्र से निकाल लेते हैं। यानी हम समुद्र को मछलियों से, जीवों से खाली कर रहे हैं। आज हम वाइल्ड लाइफ को खत्म करने की ऐसी क्षमता रखते हैं जैसी पहले हमारे पास कभी नहीं थी। आज ऐसी टेक्नोलॉजी हर किसी के पास हर कहीं है जिसकी मदद से वो समुद्री जीवों को ढूंढ कर पकड़ सकता है, खा सकता है, बेच सकता है। लेकिन ये सब इतने बड़े स्तर पर हो रहा है कि ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ऐसे भविष्य के बारे में सोचकर मुझे फिक्र होती है, लेकिन अगर हमें पता है कि कहाँ देखना है तो बहुत सारी चेतावनियाँ हमारे सामने हैं। मैंने जिन एक्सपर्ट से बात की उन्होंने मुझे घाना के बारे में बताया, जहाँ एक लोकल फिशिंग कम्युनिटी ने खुद को इस तरह बदला कि यकीन करना मुश्किल है। कल देर रात हमें कॉल आई और हमें कहा कि 5 बजे पोर्ट पर पहुंचना होगा क्योंकि वो लोग हमें कुछ दिखाना चाहते हैं। हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हम क्या देख पाएंगे। बस ये पता है कि हम जल्द से जल्द इनसे मिलने वाले हैं। हमें ये कॉल एक लोकल फिशरमैन से क्राइम बॉस बने एक शख्स से आई जिसे अब चेयरमैन कहते हैं। इससे मुझे मिलवाया मेरे कॉन्टैक्ट ने, लेकिन चेयरमैन को ढूंढना मुश्किल हो रहा था। यहाँ लाइट्स वाली कई बोट्स हैं और उनके अंदर लोग काम करते हैं। देखते हैं। इधर जाना है? आइए मेरे साथ आइए। यहीं आना है ना? आराम से आइएगा। शायद यहीं आना है। हाँ, आ जाऊं? शायद फोन पर चेयरमैन से ही बात कर रहे हैं। इनका नाम है जस्टिस। देखिए, हमें बहुत जल्दी जाना होगा। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गई। ठीक है, सब लोग आ जाइए। हम एक बोट के पास से गुजरते हैं जिसके पास मछली पकड़ने का सामान है ही नहीं। हमारे कैमरे देखकर वो थोड़े परेशान हो जाते हैं। ये आज समुद्र से आने वाली बोट्स में से एक है, क्या हम इन्हें रोककर बात कर सकते हैं? एक और फिशिंग बोट आ रही है, लेकिन इसमें भी फिशिंग गियर नहीं है। जरा बड़ा वाला निकालो, इन्हें देखना है। ये देखिए। ओह वाओ, देखा आपने? देखो जरा इसे, ये तो जमी हुई मछलियों के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं। तो ये पूरी बोट इन्हीं से भरी हुई है। घाना के ये लोग अपने लिए मछली पकड़ते थे, लेकिन विदेशी ट्रॉलर्स के आने से यहाँ मछलियाँ घट गई हैं। तो अपनी रोजी कमाने की मजबूरी में ये मछुआरे समुद्र में जाते हैं और ट्रॉलर्स द्वारा पकड़ी और जमा दी गई मछलियों के ब्लॉक्स को खरीदते हैं। ये मछलियाँ समुद्र से मिली हैं, ट्रॉलर्स से? वो लोग इन्हें फेंक देते हैं। अच्छा, ये उनके किसी काम के तो नहीं। उसके बजाय ये लोग चले जाते हैं और ले आते हैं। ये चाइनीज वेसल्स कितनी दूर मौजूद हैं? 12 घंटे की दूरी पर। वहाँ पहुँचने में 12 घंटे लगते हैं। हालात चेयरमैन के काबू में नहीं है,
और वो मजबूरन इस गैर कानूनी सी फूड ट्रेड में फंस गया है, जिसे कहते हैं साइको। आप एक मछुआरे के तौर पर काम करते रहे हैं? मैं एक आर्टिसनल फिशरमैन। आप ओरिजिनली एक आर्टिसनल फिशर हैं, तो ये गैर कानूनी धंधा है, तो आप इसे करने के लिए राजी क्यों हो गए? देखिए, मुझे समझ नहीं आता कि लोगों ने साइको को बदनाम क्यों किया। ये बुरा नहीं है, इतना बुरा नहीं है, इससे दूसरों को मदद मिली। अच्छा, इससे दूसरों की मदद होती है। तो आप उन लोगों से क्या कहेंगे जो कहते हैं कि ट्रॉलर्स समुद्र को बर्बाद कर रहे हैं, मछलियों को मार रहे हैं, और आप भी इस बर्बादी में हिस्सा ले रहे हैं बाइकैच को खरीद कर? देखिए, फिशिंग कैसी भी करें, मछलियां हर तरह की मिलती हैं, तो वो अपनी टारगेट फिश ले लेते हैं और बाकी मछलियों को फेंकने के बजाय हमें दे देते हैं। इससे होता यह है कि हमारा पेट भर जाता है। ठीक है, तो आप ही बताइए कि फेंकना ज्यादा अच्छा है या हमें दे देना अच्छा है। हकीकत और ज्यादा परेशान करने वाली है। शुरुआत विदेशी ट्रॉलर्स द्वारा अपने बाइकैच को बेचने से हुई थी, लेकिन अब इस सिस्टम की जड़ें जम गई हैं। ये मुनाफा देने लगा है, तो कई विदेशी शिप जानबूझकर लोकल फिश को टारगेट करते हैं, और इससे ओवर फिशिंग की समस्या और बदतर हो गई है। ये हमारी ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्री का दूर तक पांव पसारता असर है। लोकल आबादी ओवर फिशिंग को रोकने में इतनी लाचार हो गई है कि अब ये एक ब्लैक मार्केट को गले लगाने को मजबूर है। ओह वाओ, तो ये है वो सब। ये है वो साइको फिश। एक और वहाँ दिख रही है। यहाँ सब कुछ साफ साफ नजर आता है। ये शहर अब जमी हुई मछलियों के बल पर ही जिंदा है। मुझे यकीन नहीं होता, जहाँ नजर डालिए वहाँ साइको फिश दिखती है। यहाँ पर बोट ही बोट नजर आ रही हैं और ये सारी मछलियों से भरी पड़ी हैं, जिनको किनारे पर लाया जा रहा है। इन्हें कंबलों से ढक दिया जाता है ताकि ये ठंडी और जमी हुई रहें। ओह वाओ, वो देखिए, ये तो वाकई कमाल है। क्या बात है, ये तो बहुत सारी हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बोट कितनी ज्यादा बड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर जितनी भी बोट मौजूद है, सबके सब मछलियों से भरी पड़ी है। देखिए जरा। हाँ, जरा देखिए कितने लोग इस काम पर निर्भर हैं। क्या ये सारे लोग ये ना करें, क्या चोरी करें? देखिए, इससे हजारों लोगों की जिंदगी बच सकती है, और आप कह रही हैं कि ये काम अच्छा नहीं है। साइको कोई बुरा काम नहीं है और छुपा हुआ भी नहीं है, ये खुलेआम है। हाँ, ये तो जग जाहिर है। हम ये काम हमेशा करते नहीं रह सकते। एक वक्त आएगा जब मछलियां बचेंगी ही नहीं। तकलीफ वो उठाएंगे जो रोजाना अपने परिवारों का पेट भरने के लिए मछली पकड़ने निकलते हैं। तकलीफ कंपनीज के मालिकों को नहीं होगी जिन्होंने सारी मछलियां लूट ली। वो तो ये काम छोड़कर कुछ और करने लगेंगे। ये कैच को देखिए, मछलियां बहुत ही कम है, तो अब क्या करें, अपनी जिंदगी कैसे चलाएं? तो इसीलिए इलीगल फिशिंग करते हैं, हिट एंड रन फिशिंग करते हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं कैसे हमारी ग्लोबल फिशिंग इंडस्ट्री से जुड़े बदनुमा सच को नहीं देख पाई। लेकिन इस सफर में मैंने जो कुछ देखा, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इंडस्ट्री को बदलना होगा, हम सबको बदलना होगा। हम जंगली जीवों को समंदर से निकाल कर उन्हें पैसे या प्रोडक्ट्स में बदल देते हैं, लेकिन सबको उनकी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता।